तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चीज बॉल्स लेके आया हूँ और ये चीज बॉल्स बहुत ही स्पेशल हैं क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे बेज यूज कर रहा हूँ, ब्रेड यूज कर रहा हूँ, चीज यूज कर रहा हूँ, कॉर्नफ्लोर यूज कर रहा हूँ, नमक और चाट मसाला यूज कर रहा हूँ। तो बहुत ही कम आइटम यूज कर रहा हूँ मैं और बहुत ही स्वादिष्ट चीज बॉल रेडी करने वाला हूँ मैं आपके लिए। तो आप बेज में देख रहे हैं जैसे कि बारीक कटा हुआ प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, हरा धनिया और मिर्च और थोड़ी सी गाजर लिया मैंने। जैसा कि मैंने बताया, ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 चम्मच और चीज लिया है। चीज आप कोई सा यूज कर सकते हैं, स्लाइस या मोजरेला। और ब्रेड मैं ब्राउन ब्रेड यूज कर रहा हूँ, आप व्हाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। और नमक और चाट मसाला मैं सिर्फ 2 ही चीजें यूज कर रहा हूँ इसमें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड के जो कॉर्नर हैं वो निकाल देंगे, जो ब्रेड का जला हुआ पार्ट होता है इसको मैं निकाल रहा हूँ। और इसका एक मैं पाउडर रेडी कर लेता हूँ। देख रहे हैं ब्रेड का मैंने बारीक पाउडर सा बना लिया है, इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। तो अब इसमें मैं अपना जो मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था लगभग 2 चम्मच वो ऐड करूंगा और लगभग 1/2 चम्मच मैं नमक ऐड कर रहा हूं। तो 1/2 चम्मच मैं चाट मसाला ऐड कर रहा हूं और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगा। तो इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगा। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका आटा गूंदना है, जैसे आटे की तरह गूंदना है इसको। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, ये ज्यादा गीला ना हो जाए। ब्रेड को मैंने आटे की तरह बिल्कुल रेडी कर लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट बना लिया है इसको। तो अब इसको मैं साइड में प्लेट में रख देता हूँ और जो मेरी मैंने बेज लिया है अब बेज को रेडी कर लेते हैं। तो मैं सारी बेज को बाउल में डालने वाला हूँ। अब इसमें मैं 1 चम्मच चाट मसाला और नमक तो स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा बेज भी रेडी हो गया है। तो हम चीज बॉल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो ब्रेड का आटा है इसको इस तरीके से लोई बना के इसको हम गोल गोल करेंगे। आपको देखने में नहीं लग रहा है कि ये आटा मैंने ब्रेड से रेडी किया है। और अब इसमें हम अपना चीज रखेंगे बीच में इस तरीके से, और जो मैंने बेज रेडी किया है तो बेज रख देंगे बीच में और इसको फोल्ड करके हम बंद कर देंगे। आप देख रहे हैं बिल्कुल आसानी से मैंने इसको बंद कर दिया है और इसको बॉल की तरह हम गोल कर देते हैं। इसी तरीके से हम सारे अपने बॉल्स रेडी कर लेंगे।
हमारे चीज बॉल रेडी हो गए हैं और मैंने चार ब्रेड ली थी तो चार पीस ही बने हैं उसमें। तो आपको ध्यान रखना है क्वांटिटी का कि कितने पीस रेडी करने हैं, तो उस हिसाब से ब्रेड लें आप। तो चलिए इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो चीज बॉल्स को फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल लिया हुआ है। ऑयल को मैंने ज्यादा नहीं लिया हुआ है क्योंकि वो डीप फ्राई नहीं करेंगे इसको हम हाफ फ्राई करेंगे। तो सारे पीस हम ऑयल में डाल देते हैं अपने। और बिल्कुल ही धीमी आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे धीरे धीरे धीरे। उससे क्या होगा कि हमारा जो ब्रेड है बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएगा। तो चलिए इसको मैं फ्राई कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से हम इनको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो हमारे बॉल्स फ्राई हो गए हैं, तो चलिए इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे चीज बॉल्स रेडी हो गए हैं और आपने देखा कि मैंने ये ब्रेड से रेडी किए हैं और देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। और मैं चलिए आपको इसको तोड़ के दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं इतना सुंदर लग रहा है देखने में और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगता है ये। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।